लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 75 रनों से शिकस्त देते हुए इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम किया है। आपको बता दें कि ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करो या मरो का मुकाबला था, जिसमें टीम को 75 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसी जीत के साथ अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के वो पांच हीरो जिनके दम पर आज टीम ने मुकाबला अपने नाम किया है। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जो सबसे बड़े हीरो रहे हैं वो हैं तेज गेंदबाज आवेश खान, जिन्होंने तीन ओवर में एक मिडन डालते हुए 19 रन खर्च किए और तीन बड़े विकेट अपने नाम किए। आवेश खान के शिकार की बात करें तो आज उन्होंने नीतीश राणा, आंद्रे रसल और अंकुल रॉय को चलता किया। आज आवेश खान ने केकेआर के बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं दिया और एक के बाद एक विकेट निकालते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में बड़ी जीत दिलाने में योगदान दिया। आवेश खान इस मुकाबले में अच्छी लय में भी दिखाई दिए, जिन्होंने वापसी करते हुए इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी जीता। लखनऊ के लिए अगले हीरो मोहसिन खान रहे, जिन्होंने तीन ओवर में एक मेडन डालते हुए 6 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। आपको बता दें कि मोहसिन खान ने आज बाबा इंद्रजीत को 0 पर आउट करते हुए टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। मोहसिन खान पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं, जिन्होंने अपनी फॉर्म इस मैच में बरकरार रखी है। मोहसिन खान अब लगातार अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उन्होंने इस मैच में भी जारी रखा है। इस मैच में लखनऊ के लिए जो अगले हीरो रहे वो हैं क्विंटन डीकॉक, जिन्होंने आज 50 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। डीकॉक के दम पर ही टीम आज बड़े स्कोर तक पहुंच पाई। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद क्विंटन डीकॉक ने अपनी टीम की बल्लेबाजी संभाली और लखनऊ को जीत में योगदान दिया। इस मैच में लखनऊ के लिए अगले हीरो दीपक हुड्डा रहे, जिन्होंने 41 रनों की शानदार पारी खेली। क्विंटन डीकॉक के साथ मिलकर दीपक हुड्डा ने दूसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े। इसी साझेदारी के बल पर टीम पहले विकेट से जल्दी उबर पाई, जिसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान दीपक हुड्डा का भी रहा। इस मैच में लखनऊ के लिए जो आखिरी हीरो रहे वो रहे ऑलराउंडर जेसन होल्डर, जिन्होंने आज गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट तो अपने नाम किए, लेकिन बल्लेबाजी में भी उन्होंने 4 गेंदों में 13 रनों का योगदान दिया था। आपको बता दें कि शिवम मावी की गेंदबाजी का सामना करते हुए अपनी पहली दो गेंदों पर होल्डर ने 2 छक्के लगाए और एक अच्छा फिनिश करके दिया। इसी के साथ जब वो गेंदबाजी करने उतरे तो अंतिम विकेट निकालते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। तो ये थे लखनऊ सुपर जायंट्स के वो पांच हीरो जिनके दम पर आज टीम ने बड़ी जीत अपने नाम करते हुए अंक तालिका में पहला स्थान भी हासिल कर लिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।